हाय दोस्तों, मैं शिवम। हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं एक न्यू टाइप का शटरिंग जो आप ये देख रहे हो। यहाँ पर बीम डाला जाएगा, ये देखो आप पूरा बीम, इधर साइड भी ऐसा बीम जाएगा, ये दो ये बीम का है, इधर देखो ये भी बीम, ये सब बीम का है। और जो इसके ऊपर जो पड़ेगा वो स्लैब, पहले बीम डालेंगे उसके साथ ही स्लैब भी डालेंगे। ये शटरिंग पूरा हो गया। इधर देखो आप, ये स्टेयर केस का हो गया, इसके ऊपर स्टील डालने के बाद कंक्रीट फिल करेंगे। दोस्तों ये डिजाइन सूटेबल है रूरल एरिया के लिए, गांव के लिए, क्योंकि यहाँ पे इजीली सैंड और सॉइल मिल जाते हैं और इसमें सॉइल ज़्यादा लगता है। और ऊपर से हम लोग ये सीमेंट का एक लेयर मारते हैं। अभी आपको फ़ोटो दिखाते हैं, ये फ़ोटो देखो, कुछ इस प्रकार से हम ऐसा बनाते हैं इसको, इसको बोलते हैं कच्चा डोला। और स्टील प्रोवाइड करने के बाद कुछ ऐसा लुक आएगा, ये फ़ोटो देखो आप, ये स्टील प्रोवाइड करने का लुक है। इसके बाद हम कंक्रीट फिल करेंगे पूरे एरिया में। इस टाइप के जो शटरिंग होता है इसमें जो सपोर्ट देते हैं वो सपोर्ट देखो कुछ इस प्रकार से, बल्ली बाम बम्बू और कुछ लकड़ी की हेल्प से इसको खड़ा करते हैं ऐसे। और फिर इसको माटी फिल करके ऊपर से क्लियर सैंड का और उसके ऊपर सीमेंट का एक चादर लगाते हैं फिनिशिंग के लिए, कि अपना जो सेलिंग निकले वो क्लीन निकले इसके जैसा ही। इसका मेन एडवांटेज ये है, इसका कॉस्ट कम लगता है मैं कंपेयर टू प्लाई शटरिंग की अपेक्षा, क्योंकि इसमें सैंड और सॉइल इजीली मिल जाते हैं और कम कॉस्ट में, तो इसका कॉस्ट कम होता है कंपेयर टू प्लाई शटरिंग के मुकाबले। और इसका स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छा होता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसको बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है। प्लाई शटरिंग को आप जल्दी से फिट कर सकते हो, लेकिन इसमें इसको एक शेप देने में और फिनिशिंग करने में टाइम ज़्यादा लगता है। अभी आप फ्रंट का डिज़ाइन देखो, ये जो पोर्च है घर का, ये डिज़ाइन कुछ इस तरफ से बना दिया गया है। और कंक्रीट फिल करने के बाद इसका जो शेप और डिज़ाइन मिलेगा अपने को, आप ये फ़ोटो देखो, ये डिज़ाइन ये कुछ इस प्रकार से बन के दिखेगा अपने को आफ्टर कंप्लीट होने के बाद। ये घर का फ्रंट लुक है। अब ये देखो पूरा दो पिलर पे खड़ा हुआ है और इसका बीम का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये इसका फ्रंट लुक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको। थैंक यू दोस्तों, लव यू, बाय।